हेलो दोस्तों। कंट्रोल कंट्रोल, माफ करना, मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इस वजह से आवाज में थोड़ा भारीपन आपको फील हो रहा होगा। वैसे भारी से याद आया कि एक बहुत जबरदस्त भारी टीजर अपने सामने आ गया है जिसका नाम है राजा राम। भाई भगवान के नाम पे इन्होंने एक मूवी बनाने जा रहे हैं। वेल, मैं कोई भी इसमें कमेंट ऐसा नहीं करना चाहूंगा जिससे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों को ठेस पहुंचे, पर थोड़ा सा देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ बना रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या चीजें हैं जो मुझे लगती हैं कि ठीक हो सकती हैं या फिर करनी चाहिए? अगर मूवी नहीं बनी है तो भाई करनी चाहिए, नए है तो सब्सक्राइब करो यार, पहले सब्सक्राइब करो पहले यार, तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, करो यार पहले, अभी सब्सक्राइब करो पहले, चलो हाँ ये कर लो पहले। 52 सेकंड का ट्रेलर है, 52 सेकंड का ट्रेलर है जिसके अंदर 25 सेकंड तक तो चीजें अच्छी लगी मुझे। भगवान राम के नाम पे, मतलब वो एक जो श्लोक बताया गया है रामचरित मानस से लिया हुआ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। मतलब रघुकुल, रघुकुल मतलब भगवान राम का जो कुल है उनकी एक रीत है, रिवाज है कि प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। तो ये श्लोक, ये लाइन तब लिखी गई जब दशरथ जी ने केकई को एक वचन दिया था कि जब केकई ने दशरथ जी की जान बचाई थी कि एक समय आने पे जैसे तूने मेरी आज जान बचाई है तो तू जो मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा, ये मेरा तेरे को वचन है। और जब राजगद्दी देने का समय आया तो केकई ने चालाकी से भगवान राम के लिए वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। तो दशरथ जी ने उस समय पर केकई को दिए हुए वचन का पालन किया और उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए, मतलब कि अपने प्राण त्याग दिए लेकिन अपने वचन को झूठा नहीं पड़ने दिया। तो ये लाइन उसी पूरे इंसिडेंट को ध्यान में रख के लिखी गई है, संत कवि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। आ जाते हैं अब फटाफट से बैक टू द टीजर। 25 सेकंड तक तो भाई सब कुछ ठीक लगता है, भगवान राम हमें दौड़ते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं जैसे कि शायद किसी राक्षसों का संहार करने जा रहे हैं। उसके बाद धनुष दिखाया जाता है, वही धनुष जो भगवान शिव का धनुष था जिसे भगवान राम ने उठाया था, और आई थिंक शादी वगैरह वहां पर हमें दिखाया जाए। लेकिन जो सेकंड पार्ट आता है, बाकी का 17 सेकंड, 25 सेकंड के बाद वाला जो, उसमें भाई मतलब कहानी ही आप बदल देते हो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आया कि भाई चल क्या रहा है, यानी मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, क्योंकि जिस कैरेक्टर को आपने भगवान राम की तरह यहाँ पर पोर्ट्रे किया है, खेसरी लाल यादव, उसको जो सेकंड पार्ट में आप देखते हो बाकी के 17 सेकंड में, वो पूरा कैरेक्टर ही बदल चुका होता है, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है हम सभी जानते हैं। लेकिन जो सेकंड पार्ट में हमें सेम कैरेक्टर दिखाया जाता है वो कहीं से भी मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं लग रहा था, और जिस तरह के वो जो सीन्स थे वो काफी मुझे आपत्तिजनक लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो इस वजह से भाई मेरा मिक्स रिव्यू रहेगा इसको, बाकी चीजें इसका जो ट्रेलर वगैरह आने के बाद मैं बता पाऊंगा मोर क्लियरली कि आखिर में ये लोग इंटरप्रिटेट क्या करना चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, बिकॉज अभी कुछ भी जज करना थोड़ा सा यू नो जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि मे भी हो सकता है कोई डुप्लीकेट हो, मे भी हो सकता है कोई दूसरा हो, जैसा कि हमने देखा है शिव पुराण में भी जालंधर था और वो रूप बदल लेता था, तो ऐसा हो सकता है कोई राक्षस हो जो रूप बदल के हो सकता है मे भी कुछ ऐसा रखा हो, आई डोंट नो, बट अगर सेम कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है देन देखा जाएगा ट्रेलर आने के बाद। मेरी तरफ से भाई इस टीजर को रहे 5 में से अभी के लिए 2 स्टार, बाकी चीजें भाई ट्रेलर आने के बाद, मूवी आने के बाद ज्यादा क्लियरली बता सकूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, नहीं है तो सब्सक्राइब करो यार पहले। ओके